अभ्यर्थियों की प्रक्रिया रुकी हुई थी, कई तरह के सवाल इसे लेकर अभ्यर्थियों की ओर से उठाए जा रहे थे कि कब तक इनका रिजल्ट घोषित हो पाएगा। तो आज विधानसभा सेशन में भी यह मसला गूंजा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बड़ी जानकारी इस संदर्भ में दी गई है। हम तो कहना चाहेंगे पूरी लिस्ट ही यहां पर उन्होंने एक तरह से सार्वजनिक कर दी है कि कितने ये पोस्ट कोड हैं जो कि एक तरह से विजिलेंस जांच के दायरे में है। देखिए, बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इसमें कुछ एक बड़ी भर्तियां भी हैं। अगर टीजीटी, एलटी और जेई जैसी भर्तियों को लेकर जानकारी दे तो इनका तो रिजल्ट भी घोषित हो चुका है और अभ्यर्थियों को नौकरियां भी इसमें हासिल हो चुकी हैं। फिलहाल अब कुछ एक मैटर्स ऐसे भी सामने आए हैं कि नौकरी हासिल करने वाले युवकों ने भी अपने समय पर यहां पेपर खरीदने का काम किया था। तो फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मसले पर अब होने जा रहा है जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि आज यहां स्थिति को स्पष्ट कर दिया है सीएम ने। उन्होंने ये बात भी आज मीडिया के समक्ष रख दी है कि आखिरकार अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर एक बार फिर भर्तियों की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी। तो अपडेट बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर भी आज विधानसभा सेशन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। इस बिल पर विपक्षी दल की ओर से काफी तरह के सवाल उठाए गए हैं, क्या कुछ उनका कहना रहा ये भी जानकारी देंगे। अब आना चाहेंगे रुकी हुई भर्तियों को लेकर, क्योंकि स्थिति आज इसे लेकर भी देखिए स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल नियम 130 के अंतर्गत चार विधानसभा सदस्यों की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। इसमें केवल सिंह पठानिया, मलेंद्र राजन, सुरेश कुमार और अजय सोलंकी हैं। इन्होंने ये प्रस्ताव लाया और इसमें जानकारी देखिए ये मांगी जा रही थी कि फिलहाल ये जो रुकी हुई भर्तियों की प्रक्रिया है कब तक अब शुरू हो पाएगी, कितने मामले इसमें सामने आए हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जानकारी देते हुए ये कहा है कि पिछले 5 वर्षों पर अगर गौर किया जाए तो 2021 तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया था जिसमें पेपर लीक होने की बात हुई हो, लेकिन 2022-23 में 5 FIR दर्ज हो चुकी है और पहली FIR दर्ज होने का सिलसिला उस मामले से शुरू हुआ था जहां अभिलाष कुमार नामक एक व्यक्ति से, जो कि सुजानपुर का रहने वाला है, इन्होंने पहली शिकायत दर्ज की थी। इन्होंने जो शिकायत दी थी ये JOIT पोस्ट कोड 965 को लेकर की थी कि इनसे पेपर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं इनके एक रिश्तेदार की ओर से। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जांच को लेकर और धीरे धीरे 18 के करीब पोस्ट कोड यहां ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि विजिलेंस के जांच के दायरे में है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मैटर की जो मास्टरमाइंड मानी जा रही है वो उमा आजाद है। ये गोपनीय शाखा में कर्मचारी चयन आयोग में कार्य कर रही थी। अपने बच्चों की मदद तो इन्होंने की ही की, उन्हें ये क्वेश्चन पेपर्स दिखाकर, लेकिन साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों के बच्चों को और न जाने कहां कहां इन्होंने क्वेश्चन पेपर बेचने का काम किया। उसके बाद लगातार अब बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जो कि जांच के दायरे में आ रहे हैं। फिलहाल विजिलेंस ने इस पर जो स्टेटस रिपोर्ट दिखाई है वो 17 फरवरी 2023 को दिखाई थी और 18 के करीब पोस्ट कोड ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि शक के घेरे में है। देखिए, इन 18 विभिन्न पोस्ट कोड में 10 पोस्ट कोड ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें लेकर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, नौकरियां हासिल हो चुकी हैं युवकों को, और अब उसके बाद ये मालूम हो रहा है कि नौकरी हासिल करने वाले कुछ एक युवकों ने भी उस वक्त पर क्वेश्चन पेपर खरीदने का काम किया था। देखिए, अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भर्ती में इस तरह का मामला सामने आया है, एक व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई है और साथ ही साथ इसकी नौकरी भी अब वापस ले ली गई है। तो आने वाले समय में अब यह संभावना ये बनी हुई है कि हो सकता है जिन भर्तियों में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और भी कुछ एक ऐसे ही युवक पाए जाएं जिन्होंने एक तरह से यहां क्वेश्चन पेपर खरीदने का काम किया था। अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां ऐसी हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और एक तरह से अब जांच के दायरे में है। देखिए, सबसे पहले हम लैंग्वेज टीचर की बात करना चाहेंगे। ये पोस्ट कोड 919 को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही मैटर चल रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 में भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और इसमें तो अभी एक व्यक्ति का मामला भी सामने आ चुका है जिसने ये पेपर खरीद लिया था और उसके बाद नौकरी हासिल की है। उसी तरह से यहां असिस्टेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर का भी, फिलहाल सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर का भी मामला बताना चाहेंगे। पोस्ट कोड 915 है, इसका भी रिजल्ट घोषित हो चुका है। मार्केटिंग सुपरवाइजर पोस्ट कोड 970 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और ये भी अभी शक के घेरे में है। विजिलेंस जांच इस भर्ती पर भी बिठाई गई है। पोस्ट कोड 899 ऑक्शन रिकॉर्डर भी फिलहाल अभी शक के घेरे में है और यहां पर भी रिजल्ट देखिए डिक्लेयर हो चुका था। इसी तरह से फायरमैन की भर्ती पोस्ट कोड 916 की जानकारी दे, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और JEIPH 881 पोस्ट कोड का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। TGT नॉन मेडिकल 794 पोस्ट कोड का भी यहां रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। JOA अकाउंट्स पोस्ट कोड 886 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और JEE मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये 10 के करीब हमने ऐसी भर्तियां बताई हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, काफी महीने फिलहाल नौकरियां करते हुए इन युवकों को हो चुके हैं और अब ये जानकारी सामने आई है विजिलेंस जांच में कि कुछ एक युवक इन भर्तियों में भी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर खरीदने का काम किया था। फिलहाल सभी के ऊपर, हालांकि यहां पर देखिए जांच बिठाई गई है, जितने भी अभ्यर्थी इसमें एक तरह से पास हुए हैं और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, जाहिर सी बात है उस पर FIR भी होगी और नौकरी भी उसकी वापस ले ली जाएगी। अब आना चाहेंगे उन भर्तियों को लेकर, क्योंकि ये तो हमने उन 10 भर्तियों को लेकर आपको जानकारी दी जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अब जिन भर्तियों का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जो भर्तियां चल रही हैं उसे लेकर भी आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, JOIT पोस्ट कोड 817, ये अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है, न केवल इस बात से कि इनका भी जो ये परीक्षा पत्र था पहले ही लीक हो गया था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो इनका मामला चल रहा है इसे लेकर भी परेशान है कि इनके पक्ष में कब तक अब यहां पर फैसला आ पाएगा।
इसी तरह से क्लर्क पोस्ट कोड 962 की बात करें तो ये भी अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन ही ये भर्ती चल रही है। जेई सिविल 970 की बात करें तो यहां भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है, अंडर इन्वेस्टिगेशन भर्ती चल रही है। ड्रॉइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 की भर्ती भी अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, हालांकि इसमें तो 2 से 3 महिलाएं ऐसी पाई भी गई हैं जिन्होंने लाखों देकर यहां पेपर खरीद लिया था। फिलहाल क्या कुछ अब इस संदर्भ में होता है ये देखना होगा। और गाज यहां पर एक तरह से देखिए सभी पर गिरती हुई नजर आ रही है, उन अभ्यर्थियों पर भी जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, क्योंकि इंतजार तो उन्हें करना ही पड़ रहा है। इसी तरह से अगर जीओईआईटी पोस्ट कोड 903 की बात करें तो ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी मामला चल रहा है और रिजल्ट इसका डिक्लेयर नहीं हो पाया है। वहीं फिशरीज ऑफिसर पोस्ट कोड 968 की बात करें तो ये भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। पोस्ट कोड 939 जीओईआईटी की जानकारी दे, ये भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। हालांकि ये मामला भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के दायरे में भी है। और पोस्ट कोड 971 की जानकारी दे, ये लाइनमैन की भर्ती थी, ये भी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका रिजल्ट भी घोषित नहीं हो पाया है। तो एलटी जेई और टीजीटी जैसी भर्तियां भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, बड़े खुलासे होकर अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कहा गया है ये आपको बता देते हैं। देखिए पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो भी इन मामलों में दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में किसी के दिलो दिमाग में ये ख्याल भी ना आए कि पेपर बेचना है या फिर खरीदना है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कमेटी के गठन को लेकर कही है कि जल्दी ही यहां नया कर्मचारी चयन आयोग बनकर तैयार हो सके, इसे लेकर कमेटी का गठन कर लिया गया है। इस कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को तो उसके बाद आयोग बनाने की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू हो जाएगी। तब तक लोक सेवा आयोग को जिम्मा सौंपा गया है भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस पूरा करने के लिए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने उन लोगों को लेकर कही है जिन्होंने यहां फॉर्म फिल किए थे लेकिन भर्ती की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई और ओवर एज जो एक तरह से हो रहे हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीएम सुक्खू ने उनसे ये कहा है कि जिस डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने अपना पहला फॉर्म भरा था उसी के आधार पर उन्हें दूसरा फॉर्म भरने का मौका भी यहां मिलने वाला है, तो अपने ओवर एज होने से वो ना घबराए, क्योंकि एक तरह से उम्र को लेकर उन्हें यहां पर छूट दे दी जाएगी। तो एक राहत भरी खबर कहना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि नौकरी के इंतजार में बैठे थे लेकिन यहां भर्ती प्रक्रिया भी उनकी शुरू नहीं हो पा रही थी। तो देखा जा सकता है कि ये 3 से 4 बड़े पॉइंट्स आज निकलकर सामने आए हैं। हालांकि देखिए जो कर्मचारी चयन आयोग में पुराना स्टाफ था उन्हें पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट्स में। इस स्टाफ को एक तरह से ऑप्शन दी गई है कि अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में ये जा सकते हैं, लेकिन फिर से इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। जो नया कर्मचारी चयन आयोग बनाया जाएगा उसमें नया स्टाफ होगा, पुराने स्टाफ का एक भी व्यक्ति उसमें तैनात नहीं किया जाएगा, ये फैसला भी यहां पहले ही ले लिया गया है। देखिए एक और अपडेट हम आपको दे देते हैं, फिलहाल जो एचएएस अधिकारी हैं और कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे इनकी भी क्योंकि एक तरह से अब गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 दिन के रिमांड पर इन्हें भेजा गया है, क्योंकि ये भी इस पूरे मैटर में शामिल पाए गए हैं जो कि पेपर लीक होने का मामला यहां सामने आया था। जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने पंचायत सचिवों का मुद्दा जो है वो सदन में उठाया और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव के 3615 पद जो है वो सृजित किए गए हैं, इनमें 3378 पद जिला परिषद काडर के हैं, 237 पदों के प्रति ग्रामीण विकास के पंचायत सचिव जो है वो कार्यरत है। पंचायत सचिव श्रेणी के 80% कर्मचारी चयन आयोग या भर्ती या अन्य भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से जो है वो सीधी भर्ती द्वारा और 20% पद पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं में से वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर भरने का प्रावधान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जिला परिषद काडर के अधीन पंचायत सचिवों को अभी पंचायती राज विभाग के अधीन लाने का कोई भी विचार नहीं है, ये जिला परिषद काडर में ही रहेंगे। तो इस तरह की उनकी पहले से डिमांड भी चल रही थी, उसके लिए जो है वो सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया है। यादवेंद्र गोमा के मंदिरों से संबंधित एक सवाल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुरातत्व विभाग के अधीन सभी मंदिर जो है वो जीर्ण शीर्ण हालत में है, इन मंदिरों के विकास पर कोई भी पैसा जो है वो पिछले कई सालों से खर्च नहीं किया गया है। केंद्र सरकार को धनराशि के आवंटन के लिए जो है वो प्रदेश सरकार आग्रह करेगी और साथ ही ये भी आग्रह करेगी कि वो राज्य सरकार को इन मंदिरों पर खर्च करने की जो है वो कुछ ना कुछ अनुमति यहां पर जो है वो जरूर दे। दरअसल ये विधायक यादविंदर गोमा ने अपने यहां पर आशापुरी माता के मंदिर का मामला यहां पर उठाया था और उनका कहना था इस मंदिर की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिस पर बताया गया कि वो पुरातत्व विभाग के अधीन है और प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जो पुरातत्व विभाग के अधीन लिए गए हैं जिनकी देखरेख जो है वो सही तरह से नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, इसमें कहा गया है कि सही तरीके से योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा रहा है, इस कारण 3 योजनाएं जो है वो बंद भी करनी पड़ी है। इनके अलावा बोर्ड और निगम जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है उनको लेकर गंभीर टिप्पणियां जो है वो कैग की तरफ से की गई है। बोर्ड निगमों के घाटे पर भी जो है वो कैग ने अपना सवाल खड़े किए हैं, इसमें बिजली बोर्ड पर सवाल खड़े हैं, एचआरटीसी की कार्यप्रणाली पर है, पावर कॉर्पोरेशन, वन निगम, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन समेत जो है वो कुछ और निगम बोर्डों पर भी जो है वो सवाल उठाए गए हैं। तो बोर्ड निगमों में अनियमितताएं सामने आई हैं, इस पर कैग ने अपनी तीखी टिप्पणी की है। तो कैग की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से
सचेत करने वाली होती है। महालेखाकार अपनी रिपोर्ट में जो है वो साल दर साल बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बावजूद इसके सरकार जो है वो खर्च में कटौती नहीं कर रही है। तो इस तरह की बात इस रिपोर्ट में भी सामने आई है। पूर्व जयराम सरकार को लेकर जो है वो टिप्पणियां की गई है 2021-22 में उनकी किस तरह की कार्य प्रणाली रही है, उससे पहले जो है वो कोविड काल रहा, कोविड काल में कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी जो है वो पिछली रिपोर्ट में दी गई थी। लेकिन इस बार कहा गया है कि जितना बजट पास किया गया था उससे कहीं अधिक जो है वो खर्चा सरकार कर रही है, और सरकार जो है वो महालेखाकार के कार्यालय में जाएगा क्योंकि ऑडिटर जनरल जो होते हैं एजी वहां से जो है वो कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोले जाते हैं। तो यहां से 136,000 कर्मचारियों के जीपीएफ खाते तभी खुलेंगे जब वित्त विभाग कर्मचारियों को ऑप्शन देगा और कर्मचारी ऑप्शन अपनाएंगे कि उन्हें ओपीएस लेनी है या एनपीएस लेनी है। तो ओपीएस में जाने वाले सभी कर्मचारियों के फिर जीपीएफ खाते के लिए जो है वो अप्लाई किया जाएगा, ऑडिटर जनरल के कार्यालय से जो है वो जीपीएफ खाते बनाए जाएंगे। और उसमें आपको बता दें कि काफी ज्यादा समय लगने वाला है, 3 से 4 महीने का समय जो है वो उसमें लग सकता है क्योंकि उसमें नॉमिनीज के पेपर भी जो है वो साथ में कर्मचारी के बनाने पड़ेंगे और नया खाता खोलने में जरूर समय लगेगा। एजी ऑफिस से जुड़े हुए हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है उसके लिए तैयारी जो है वो वहां पर की जा रही है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई निर्देश वहां नहीं गया है, वित्त विभाग से कोई जानकारी ऑडिटर जनरल को नहीं गई है। तो महालेखाकार के कार्यालय में भी जो है वो इंतजार ये किया जा रहा है कि कब सरकार की तरफ से जानकारी मिले। तो इस बीच जब तक जीपीएफ खाते नहीं खुल जाते हैं तो एनपीएस अंशदान जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो चुका है क्योंकि जब तक जीपीएफ के खाते नहीं खुलेंगे तब तक एनपीएस का अंशदान जो है वो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में 3-4 महीने तो अमूमन एक माना जा रहा है, जो जानकारी है सूत्रों से मिली है कि 3-4 महीने का समय जो है वो इसमें लग सकता है, और धीरे धीरे जिन जिन कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खुलते जाएंगे उनका जो है वो अंशदान बंद होता जाएगा और जिनके नहीं खुलेंगे उनका आगे लंबा जो है वो इंतजार उनको करना पड़ सकता है।